रेलगाड़ी में भूत की बारात। शिखा सैकड़ों सपने लिए आज अपने दुल्हन के जोड़े में बैठी तैयार हो रही थी। चारों ओर उसकी शादी की शहनाई बज रही थी। तभी शिखा की माँ उसकी नजर उतार कर कहती है, आज मेरी बेटी इतनी प्यारी लग रही है कि क्या बताऊं, कहीं मेरी नजर न लग जाए तुझे। अरे माँ, कभी माँ की नजर बेटी को लगती है? आज तू जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी, भगवान तुझ पर अपनी कृपा बरसाए रखे। अच्छा, मैं नीचे काम देख रही हूँ, तू ख्याल रख। ये बोलते ही कुसुम चली जाती है और तेज आंधी चलने लगती है। शिखा के कमरे की खिड़की बार बार बजने लगती है। कमरे की लाइट खराब होने लगती है। तभी डरी हुई शिखा कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है, मौसम इतना कैसे बिगड़ गया, अब वो बारात लेकर कैसे आएंगे, लगता है मेरी शादी में आज बारिश होकर ही रहेगी। शिखा, शिखा, मैं आ गया, तुम्हारा प्यार आ गया। ये डरावनी आवाज, ये डरावनी आवाज कहां से आ रही है, कौन है यहाँ? तुम्हारा प्यार लौट आया है शिखा, तुम्हारा युवराज। जैसे ही वो आधा जला हुआ चेहरा, भूत वाला चेहरा दिखाई देता है, शिखा के सामने आता है, तो शिखा बेहद डर जाती है और अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहती है, युवराज तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे डर लग रहा है, आज मेरी शादी है और मैं कुछ गड़बड़ नहीं चाहती। शिखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मुझे देखकर ऐसे मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो, आज हम दोनों शादी करेंगे। वो डरावना भूत शिखा का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की ओर ले जाता है और शिखा हाथ छुड़ाकर कहती है, तुम पागल हो गए हो, होश में तो हो युवराज, तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती, तुम भूत हो और मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया, तो किस बात की शादी? कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकती तो एक भूत तो अपने प्यार से शादी कर सकता है ना, चलो आप। देखो तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी बारात आने वाली है, जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तुम्हारी बारात आने वाली है। ना रहेगा दूल्हा, ना बजेगी शहनाई। ये बोलकर भूत उसके दूल्हे को ढूंढता हुआ उसी रेलगाड़ी में पहुंच जाता है जिसमें सभी बाराती आ रहे थे। रेलगाड़ी कई तरह के फूलों से सजी थी और अंदर सभी बाराती ढोल नगाड़े पर नाच रहे थे और दूल्हा सहरा लगाए बैठा हुआ था। अरे और ढोल वाले, इतनी तेज बजा के लड़की वालों को पता चल जाए कि उनकी बारात आने वाली है। अभी बजाता हूँ। आज मैं अपने दोस्त के लिए गाना भी गाना चाहूंगा। ओ तेनु घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, तेनु दूल्हा किन्ने बनाया भूतनी के, भूतनी के ओ भूतनी के, तेनु घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के। अरे ये तो मेरे लिए गाना बजा रहा है, मुझे नाचना चाहिए। ओ मेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया भूतनी के, ओ मेरु दूल्हा मैंने बनाया भूतनी के। ये कहते ही वो भूत नाचने लगता है। तभी रुक कर कहता है, अरे नहीं नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उस दूल्हे को मार कर उस जगह बैठना है और अपनी शिखा के पास जाना है। अब ये बारात भूत की बारात होगी जिसमें सब लोग नाच कर जाएंगे। ये बोलते ही वो भूत उसके शरीर में घुस जाता है, फिर उसे ट्रेन के टॉयलेट में ले जाकर मार देता है और खुद उसकी जगह आकर बैठ जाता है। अब ये सहरा ही मुझे दूल्हा बनाकर मेरी शिखा तक पहुंचाएगा। मैं बारात लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ मेरी शिखा। अरे भाई, तू भी शादी का लड्डू खाने वाला है, अपनी खुशी तो जाहिर कर। सच बताऊँ तो मैं शिखा से शादी करके उसे सारी खुशी दूंगा जो मैं उसे पहले नहीं दे पाया। पहले कब? तू तो कभी भाभी से मिला ही नहीं। मेरा मतलब है वक्त ही नहीं मिला, तो अब शादी के बाद उसे सारी खुशियाँ दूंगा और इसीलिए मैं गाना चाहता हूँ। काजल की स्याही से लिखी है तूने न जाने कितनी लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं। अरे वाह वाह वाह। कुछ ही देर में नाचते गाते हुए ट्रेन अपने स्टेशन पर उतरती है और वो भूत समीर बनकर घोड़ी चढ़ जाता है, जहां सभी बाराती नाचते हुए दुल्हन के घर तक पहुंच जाते हैं और भूत गाता है, अरे पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दूल्हे राजा गौरी खोल दरवाजा। तभी गौरी नाम की उसकी सास दरवाजा खोलती है तो भूत कहता है,
अरे मैंने अपनी सोना जानू को बुलाया था, पर यहाँ तो सासू माँ ही आ गई। कोई नहीं, पहले इनसे निपट लेते हैं। अंदर आ जाओ बेटा, मैं तुम्हारी आरती उतारूं। ये बोलते ही वो भूत आगे बढ़ता है जहाँ कुसुम उसकी आरती उतारती है, और टीके के लिए जब सहरा हटाती है तो उसे सहरे के अंदर एक डरावना भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो चिल्लाती है। भूत, कोई बचाओ, कोई बचाओ। कुसुम उस भूत को भगाने के लिए मेन दरवाजा बंद कर देती है, फिर भी वो भूत दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और शिखा का हाथ पकड़कर कहता है, बहुत हो गया शिखा, आज मैं तुझे लेकर ही रहूंगा। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, क्योंकि मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो तुम। बेटा, तू इस भूत को जानती है क्या? क्या हो रहा है मुझे भी पता। माँ, ये कुछ महीने पहले की बात है, इस भूतनी के ने मुझे बहुत परेशान किया है। उस शाम जब मैं कॉलेज से जा रही थी तो मेरा दुपट्टा उड़कर उसके चेहरे पर आ गया, और जब मैंने हटाया तो हम दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा और कहा, सॉरी, वो हवा की वजह से उड़कर आप पर आ गया। कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद हमें ऐसे ही मिलना था। What do you mean? ये कहकर शिखा चली जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज आती है तो रास्ते में युवराज उसे देखकर कहता है, अरे ये तो वही लड़की है, जब से इसे देखा है मेरे दिल का चैन चला गया है कहीं और। इसका नाम क्या है? अरे शिखा, शिखा रुक, मैं भी आ रही हूँ। हाँ आजा आजा, यहीं खड़ी हूँ, बस आई नहीं अभी तक तो मैं चलने लग गई। अच्छा। दोनों साथ जाती हैं कि युवराज उनके सामने बाइक लिए आ जाता है और कहता है, हाय शिखा, आई एम युवराज, तुम्हारी कॉलेज का ही हूँ, आओ तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। तुम वही हो ना, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? अभी तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारा नाम लिया। यार मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आओ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? एक दिन में भला किसी को कैसे प्यार हो सकता है? शिखा, ये पहली नजर का प्यार है, और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। तुम्हारा दिमाग सटिया गया है क्या? ये बोलकर दोनों ऑटो में बैठकर चली जाती हैं। वक्त बीतता है, युवराज शिखा की अब हर गली हर चौराहे पर आकर परेशान करने लगता है, पर शिखा नजरअंदाज कर देती है। तभी एक बच्चा उसे लेटर देकर जाता है जिसमें लिखा था, अगर शिखा तुम जंगल में मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। ये क्या बकवास कर रहा है युवराज, मुझे इसे जाकर समझाना होगा वरना गलत हो जाएगा। ये बोलते ही दौड़ी दौड़ी जंगल में जाती है जहाँ युवराज उसे कहता है, मुझे पता था शिखा तुम जरूर आओगी, क्योंकि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना मैं। अब मुझसे एक बार कह दो कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। युवराज, जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं होता, और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने आई हूँ, तुम अपनी जिद छोड़ दो। ठीक है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती ना, पर मैं तुमसे ही प्यार करूंगा, और मरने के बाद भी करूंगा, मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। ये बोलते ही युवराज अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लेता है और माचिस से खुद को आग लगा लेता है, जिसके बाद वो मरकर भूत बन जाता है। बस तब से ही ये मुझे परेशान कर रहा है, सुबह भी मेरे पास आया था, मैंने इसे बहुत रोका, पर इसने समीर को मार डाला। और मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा, पर शादी तुमसे ही करूंगा। ये बोलते ही भूत उसे मार डालता है, जिसके बाद वो जुड़ैल बन जाती है और युवराज उसके साथ उसी मंडप में जबरदस्ती शादी करके कहता है, कहा था ना तुम मेरी हो, और अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। बाय बाय सासू माँ, अपना ख्याल रखना। इस तरह युवराज की बुरी आत्मा शिखा से शादी कर उसे अपनी दुनिया में ले जाती है। तीन भूतिया पेड़। शाम के वक्त मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ था, अचानक से तेज बारिश होने लगी। तभी रामू नाम का व्यक्ति घने जंगल से गुजर रहा था। तेज बारिश में उसका छाता उड़ जाता है और कहता है, अरे अरे छाता तो उड़ गया, अब आगे गया तो भीग जाऊंगा, पास में रुकना पड़ेगा। अरे ये पेड़ तो बहुत ही सुंदर और घना है, कुछ देर यहीं रुक जाता हूँ। ऐसा बोलकर रामू पेड़ की छाव में भीगने से बच जाता है। कुछ देर बाद बादल और गरजते हैं, बारिश तेज होती है और वो बोलता है, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और भूख भी लग रही है, क्या करूं? अरे इस पर तो बहुत रसीले आम लटके हुए हैं, क्यों नहीं खा लूं? रामू उस पेड़ के आम तोड़ने की कोशिश करता है कि अचानक से उस पेड़ की टहनियां
खूंखार हाथ में बदल जाती हैं और पेड़ के पत्ते उड़ते हुए लंबे बाल बन जाते हैं। उस आदमी को अपने हाथ से हवा में घुमाता है और कहता है, तुझे फल खाना था ना, ऐसा करते हैं हम ही अपनी भूख मिटा लेते हैं तुझे खाकर। मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझे कौन हो तुम, मुझे नहीं खाना तुम्हारा कोई भी फल, छोड़ दो मुझे। तभी दूसरा भूतिया पेड़ अपने टहनियों से रामू को जकड़ लेता है और कहता है, हम तुम्हें छोड़ेंगे? क्यों, हमें तो किसी ने नहीं छोड़ा था, अब तू भी मर। बड़ा आया हमारे फल खाने, मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा बोलकर पेड़ अपना मुंह खोलता है जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं और अपनी लंबी जीभ से पकड़कर उसे जिंदा निगल लेता है और जोर से हंसने लगता है। कोई नहीं बचेगा, जो भी हम तीनों भूतिया पेड़ों के पास आएगा उसे मरना ही होगा। इस तरह जो कोई भी उस पेड़ के पास से गुजरता और उसके पास आता या उसके फल खाने की कोशिश करता, तीनों भूतिया पेड़ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते थे। बहुत बेरहमी के साथ उन्हें मारकर किसी की मुंडी अपनी टहनियों पर लटका देते थे, तो कोई उनके हाथ पैरों को काटकर लटका देता था, तो कभी उन्हें जिंदा निगल लिया करते थे। ऐसे ही एक शाम की बात है, दो आदमी बहुत दूर से पैदल चलकर थक गए थे। तभी वह कहते हैं, यार अब और नहीं चला जाता, इस पेड़ के पास रुककर थोड़ी देर बैठ जाते हैं ना। ठीक है, तू इतना कहता है तो कुछ देर आराम कर ले। दोनों पेड़ का सहारा लेकर आंखें बंद करके सो जाते हैं। जंगल में सन्नाटा होता है कि अचानक से भेड़िये की आवाज आती है। आवाज सुनकर एक आदमी डर जाता है। दूसरा आदमी कहता है, अरे डर मत, भेड़िये की आवाज थी, घना जंगल है ना ये। ये तो है। अपने साथी की बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी, आराम कर रहे हो, क्यों ना तुम्हें हमेशा के लिए ही आराम करवा दूं? मैंने कोई फिर से डरावनी आवाज सुनी है, जरूर यहाँ कोई है। भीम, मुझे डर लग रहा है, चल यहाँ से चलते हैं। तू फिर से वही सब सोच रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही मुझे तो, सो जा कुछ देर फिर चलेंगे। ऐसा बोलकर दोनों फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तभी भूतीय पेड़ हिलने लगते हैं और अपनी टहनियों से उनके गले को दबोच लेते हैं और हवा में उठाकर इधर उधर पटकते हैं, जिससे वो दोनों घबराते हुए बोलते हैं, छोड़ो हमें, छोड़ो, क्यों तुमने हमें पकड़ रखा है, छोड़ो हमें, बख्श दो यार, घर पर हमारे बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं, जाने दो। मरना होगा तुम्हें, जब तुम गांव वालों ने हम पर रहम नहीं किया तो हम क्यों तुम पर रहम करें। तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे कि गांव वाले हम भूतिया पेड़ के पास आने से भी डरेंगे। इतना कहने के बाद वो तीनों भूतिया पेड़ उन दोनों आदमी को मार देते हैं। एक पेड़ उसकी खोपड़ी को लटकाता है तो दूसरा पेड़ उनके हाथों को और तीसरा पेड़ उनके पैरों को। इस तरह जो कोई भी उन पेड़ों के फल खाने उस भूतिया पेड़ के पास आता, वह तीनों भूतिया पेड़ उन्हें मार डालते। गांव का मुखिया इस बात को भांप लेता है कि अचानक से गांव के लोग कम हो रहे हैं, आखिर वो जा कहां सकते हैं। इसी बात के लिए वो किसी तांत्रिक बाबा के पास जाता है और बोलता है, बाबा मुझे आपसे जानना है कि। कुछ मत बोलो, मुझे सब पता है कि तुम यहाँ क्यों और किस लिए आए हो। तो बाबा फिर आप बताइए ना कि आखिर लोग कहाँ गायब हो रहे हैं। चलो मेरे साथ। ये बोलकर वह बाबा जंगलों को चीरते हुए उन तीनों भूतिया पेड़ों के पास पहुँच जाते हैं और भस्म फेंक के बोलते हैं, ये है तेरी परेशानियों की जड़। उस बाबा के भस्म डालते ही वो तीनों पेड़ दर्द से चिल्ला उठते हैं, जिससे एक भयंकर आवाज आती है। ओ, 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 क्या कर रहा है तांत्रिक, अपनी मौत को मत बुला वरना बहुत बुरी मौत मरेगा और तेरा मुखिया, तेरा अंत होना तो निश्चित है। बाबा बाबा, ये पेड़ कैसे बोल रहे हैं और ये मुझे ऐसी धमकी क्यों दे रहे हैं? तेरा अतीत इनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तुझे धमकी दे रहे हैं। पर बाबा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। झूठ, झूठ बोलता है तो बहुत बुरी मौत मरेगा मुखिया, तू बहुत बुरी मौत मरेगा, तूने हमारे साथ ठीक नहीं किया, भूल गया,
कैसे तूने हम तीनों बहनों को मारा था। याद कर वो दिन जब तूने हमें पेड़ों से बांधकर जलाकर मरवा दिया था। भूत ये पेड़ के इतना कहते ही मुखिया अपनी बीती यादों में चला जाता है, जहाँ कुछ सालों पहले उसने अपने गांव की तीन लड़कियों को कुछ अजीब करते हुए देख लिया। ओम क्लीम भीम चामुंडे विच्छे नमः स्वाहा। दीदी, इस विधि को करने से कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, इससे लोगों को हम वश में कर सकते हैं अपने। काया के कहते ही माया टोटके को चंपा के चौखट पर रख के आती है। उसे रखते वक्त मुखिया देख लेता है और बोलता है, हे लड़की, क्या कर रही है तू? अच्छा, तू टोना टोटका कर रही है। अभी सब लोगों को बताता हूँ। तुम ही लोगों की वजह से अचानक से ही गांव के लोग बीमार पड़कर मर जाते हैं। तुम काले जादू वालों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुखिया इतना बोलकर उन तीनों लड़कियों को पकड़वा लेता है और जंगल में जाकर तीन पेड़ से कसकर बांध देता है और कहता है, देखो गांव वालों, आज तुम्हें काला जादू करने वाले लोगों का हश्र देखने को मिलेगा। ऐसी लड़कियां गांव में रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। जला डालो इन्हें। नहीं नहीं नहीं, छोड़ो हमें, मत मारो, अब से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तीनों लड़कियां चिल्ला चिल्ला कर छोड़ दो की गुहार लगाती हैं, लेकिन ना गांव वालों को तरस आता है उस पर, ना मुखिया को। पेड़ से बांध कर उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। फिर उस पेड़ से जलने के बाद हम तीनों बहनों की आत्मा उन तीनों पेड़ों में समा गई। कुछ याद आया मुखिया तुझे? अब तेरे मरने की बारी है। इतना बोलकर भूतिया पेड़ उस मुखिया को अपनी लंबी लंबी टहनियों से जकड़ लेता है, जिससे उसके सर धड़ से अलग हो जाता है और फिर उसके एक एक शरीर के हिस्से को निगल लेते हैं। तांत्रिक इसमें कुछ भी नहीं कर पाता। अभिमंत्रित भस्म उन पर फेंकता है, जिससे कुछ देर के लिए वह उसके काबू में आ जाते हैं और तांत्रिक गांव वालों से कहता है, गांव वालों, इन्हें मारने के लिए जल्दी से मशाल और गंगा जल लेकर आओ। गांव वाले तांत्रिक की बात सुनकर मशाल और गंगा जल ले आते हैं और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं कि एक भूतिया पेड़ उसकी मशाल लेकर अपनी टहनियों से हवा में उठाकर फेंक देता है और दूसरा भूतिया पेड़ अपने मुंह से आग फेंकता है। तभी गांव के लोग इधर उधर भागने लगते हैं और कुछ वहीं मर जाते हैं। तीसरा भूतिया पेड़ अपनी लंबी जीभ से उन्हें निगल लेता है। तभी गिनती के कुछ लोग बचते हैं। और कोई आगे आकर अपनी मौत को बुलाएगा तो आओ। देखो तांत्रिक, अब तू भी मरेगा, मरने के लिए तैयार हो जा। मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ अब। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ह्रैं क्रूं विच्छे नमः स्वाहा। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही तीनों भूतिया पेड़ काबू में आ जाते हैं और फिर तांत्रिक गांव वालों के साथ मिलकर तीनों पेड़ों पर जलती हुई मशाल फेंक देता है, जिससे उन तीनों की आत्मा जलकर उन पेड़ों से निकल जाती है और हमेशा हमेशा के लिए वह भूतिया पेड़ से आम पेड़ों की तरह बन जाते हैं। चुड़ैल नाई की दुकान। तीन दिन के बाद बेचारा राजेश अपने बेटे राजू के साथ पेट भर के खाना खाता है। ये सब चुड़ैल खिड़की से झांक कर देख रही होती है और वो बहुत खुश होती है, जिसके बाद चुड़ैल हर रोज इसी प्रकार नाई का काम करके पैसा कमाती है और रात को अपने पति राजेश के सोने के बाद उन पैसों को उसके सिरहाने रख देती है। एक दिन राजेश अपने मन ही मन सोचता है, आखिर ये कौन है जो मेरे तकिए के पास पैसे रखता है? आज मैं इस बात का पता लगा कर ही रहूंगा। उस रात राजेश सोने का नाटक करता है और चौकन्ना रहता है। रात होते ही चुड़ैल आती है और उसके सिरहाने पैसे रख देती है। जैसे ही राजेश चुड़ैल को देखता है, उसे चुड़ैल को पहचानने में जरा भी देरी नहीं लगती और वो चुड़ैल से कहता है, अरे ललिता, क्या ये तुम हो? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं होता अपनी आंखों पर, तो मरने के बाद भी हमारी मदद कर रही हो। आखिर आपको मेरा सच पता चल ही गया। मुझे नहीं पता था कि मरने के बाद तुम्हें शांति नहीं मिली और तुम हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही हो। ये सब तो करना ही था, जीते जी तो नहीं कर पाई लेकिन मरने के बाद कर रही हूँ। कांचीपुरम के छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहा करता था, जिसमें ललिता अपने पति राजेश और अपने बेटे राजू के साथ रहा करती थी। ललिता का पति राजेश नाई का काम किया करता था और उसी से वो अपने रोजमर्रा के खर्चे निकाला करता था। गांव में राजेश के अलावा दो नाई और थे, कालू और गजेंद्र। उन दोनों की दुकान पर भीड़ अक्सर ज्यादा लगी रहती थी। राजेश से कोई इसलिए जल्दी शेविंग नहीं कटवाया करता था क्योंकि वो बहुत गरीब था और उसकी नाई की दुकान भी बहुत छोटी थी।
एक दिन राजेश अपने गांव के एक आदमी के बाल काट रहा होता है। अरे क्या बताएं भैया, कमाई तो हो ही नहीं पाती है। कालू और गजेंद्र दोनों सारे ग्राहक अपने साथ ही ले जाते हैं, मानो जैसे ग्राहकों का तो अकाल पड़ा हो। अरे भाई क्या बताएं, सब मोह माया है। ये सारा खेल पैसों का है। उन्होंने अपनी दुकान बहुत बड़ी और सुंदर बना रखी है, इसलिए सब लोग उनकी दुकान में ही जाते हैं। भाई साहब तुम बिल्कुल सही कहते हो। गांव के कुछ लोग मिलकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसके बाद राजेश को ये पता चलता है कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही और वो अपाहिज हो गया है, जिसके बाद वो व्हीलचेयर के सहारे चलने लगता है। ये सब क्या हो गया, मैं तो आगे बढ़ने की सोच रहा था, आगे बढ़ने लायक अब मेरे पैर ही नहीं रहे। ऊपर से मेरी पत्नी ललिता भी मुझे छोड़ गई, अब मैं अकेले इस दुनिया में क्या करूंगा। राजेश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो अपने बेटे राजू के साथ रहने लगता है, लेकिन कुछ दिन तो उनके निकल जाते हैं और उसके बाद उनके घर में राशन भी खत्म हो जाता है। एक दिन राजू अपने पिता राजेश के पास आकर कहता है, पिताजी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटा मुझे माफ कर दो, तुम तो जानते हो मैं अब चल नहीं सकता, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं तुम्हें कहां से खिलाऊं। दो दिन तक राजेश और राजू दोनों भूखे प्यासे ऐसे ही रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ललिता की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो भटकते भटकते अपने पति और बेटे को देखने के लिए अपने घर पहुंच जाती है। ललिता एक खिड़की से झांक कर देखती है। हे भगवान, ये सब क्या देख रही हूँ मैं। मेरे मरने के बाद तो मेरा पति अपाहिज हो गया है और मेरा बेटा भूख से तड़प रहा है। अगर इसी प्रकार चलता रहा तो ये दोनों तो मर जाएंगे, मुझे इनके लिए कुछ तो करना ही होगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल को एक आइडिया आता है। अरे पहले मेरा पति नाई का काम किया करता था, तो क्यों ना अब मैं भी नाई का काम करना शुरू कर दूं। मैं ऐसी कटिंग करूंगी कि सब लोग मेरे पास भागे चले आएंगे। ऐसा सोचकर अगले दिन चुड़ैल अपना भेष बदल कर गांव में आ जाती है और नाई का काम शुरू कर देती है। चुड़ैल एक सुंदर सी औरत का रूप धारण कर लेती है, जिसकी वजह से गांव के सभी मर्द उसकी दुकान पर लाइन लगा देते हैं और उसी की दुकान में आना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल गांव के सभी लोगों की कटिंग करना शुरू कर देती है, जिसके चलते चुड़ैल कई सारा पैसा कमा लेती है। अरे वाह क्या बात है, इतना सारा पैसा, मुझे नहीं पता था कि अगर मैं काम करूंगी तो इतना पैसा कमाऊंगी। काश ये मैंने मरने से पहले सोचा होता। चलो कोई बात नहीं, अब मैं इन पैसों को अपने पति राजेश को दे देती हूँ। चुड़ैल अपने पति राजेश के पास पहुंच जाती है, जहां रात के समय राजेश सो रहा होता है। चुड़ैल छुपकर उसके तकिए के पास सारे पैसे रख देती है, जिसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही राजेश की आंखें खुलती है, उसे अपने तकिए के पास इतने सारे पैसे देखकर हैरानी होती है। अरे राजू कहाँ है तू, अरे जल्दी से यहाँ। राजू फौरन अपने पिता राजेश के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद राजेश राजू से कहता है, अरे बेटा इतने सारे पैसे तू कहाँ से लेकर आया। नहीं पिताजी ये पैसे मैं नहीं लेकर आया हूँ, मुझे नहीं पता ये पैसे कहाँ से आए। राजेश ये सुनने के बाद बहुत संकोच में रह जाता है कि तभी राजू कहता है, पिताजी आज हमें 3 दिन हो गए हैं बिना खाना खाए, शायद ऊपर वाले ने हमारी खुद मदद की है। लाओ इन पैसों को मुझे दो, इनसे मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। राजेश उन पैसों को राजू को दे देता है, जिसके बाद राजू उन पैसों से खाना और राशन ले आता है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं अपनी नाई की दुकान को बड़ा कर सकूं। उस आदमी की कटिंग करने के बाद वो इस बात को सोचता सोचता अपने घर पहुँच जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी ललिता को बुलाता है और उससे कहता है, देखो ललिता हमारी नाई की दुकान बहुत छोटी है, इसी वजह से कोई हमारी दुकान में नहीं आता। मैं सोच रहा था कि मुखिया से थोड़े पैसे ले लूं और अपनी दुकान को थोड़ा सा बड़ा कर दूं। लेकिन हम उनके इतने सारे पैसे लौटाएंगे कैसे। अरे चिंता मत करो, जब मेरी दुकान में ग्राहक बढ़ेंगे तो पैसे भी आएंगे और उन्हीं से हम मुखिया को पैसे चुकाते रहेंगे। ललिता राजेश की बात मान जाती है, जिसके बाद वो दोनों मुखिया के घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक से एक बहुत बड़ी गाड़ी के साथ उनकी टक्कर हो जाती है। राजेश के दोनों पैरों पर गाड़ी चढ़ जाती है, जिससे उसके पैर खराब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ललिता के सिर से बहुत खून बहने लगता है। राजेश वहां पड़ा हुआ अपनी पत्नी ललिता को देख रहा होता है और तड़प तड़प कर लोगों से मदद मांगता है। अरे कोई मेरी मदद करो, अरे मेरी पत्नी को कोई हॉस्पिटल लेकर चलो, कोई हमारी मदद करो। आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद आप दोनों को कोई परेशानी नहीं होगी, और हाँ मैं आपके पैरों का भी इलाज करवाऊंगी, देखना आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। अपनी चुड़ैल पत्नी को देखकर राजेश बहुत खुश होता है, जिसके बाद चुड़ैल धीरे धीरे करके खूब पैसा कमाती है और राजेश के पैरों का इलाज करवा देती है। कुछ समय बाद राजेश अपने पैरों पर चलना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो एक दिन अपनी चुड़ैल पत्नी से कहता है, ललिता तुमने हमारी बहुत मदद की है और हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि अब हम अपने लिए खुद कर सकते हैं,
मेरी मानो यहाँ से मुक्त हो जाओ, अब मैं अपने बेटे का ख्याल खुद रख लूंगा। ये सुनकर चुड़ैल को बहुत खुशी मिलती है और वो खुशी खुशी वहाँ से मुक्त हो जाती है। जिसके बाद राजेश एक अच्छी सी दुकान खोलकर अपना नाई का काम दोबारा से शुरू कर देता है। इस बार उसकी दुकान में अच्छे खासे ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं, जिससे उसका काम अच्छा खासा चलने लगता है। समझदार पत्नी गवार पति। चंदनपुर गाँव में विशाल नाम का एक बहुत ही गरीब लड़का रहता था। उसको अपने घर का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके घर में उसकी एक जवान बहन शीला शादी के लायक थी और उसकी एक बूढ़ी माँ सुशीला बीमार पड़ी हुई थी। वो हर जगह भटकता, लेकिन पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसको कहीं भी कोई भी काम नहीं देता था। वो जहाँ भी जाता सब उसे दुत्कार के भगा देते। ऐसे एक बार की बात है, वो अपनी माँ से बोलता है, अरे अम्मा, हम कल शहर जावत है, का पता हमका वहाँ कोनो काम मिल जाई। अरे बिटुआ, तू ओहा जाएगा तो तोहार ख्याल कौन रखी। अरे माँ, तू हमरी चिंता ना ही ले, अब हम बड़ा हुई गवाह हैं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। अरे हमार बिटुआ, बस तू अपना अच्छे से ख्याल रखना, बाकी हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तोहरे साथ रहेगा। अरे भैया, हम सुन रहे हैं कि तुम शहर जावत हो, तो एको हमारी भी सुन लियो। जब तुम्हारा काम शहर में अच्छा चले, तब हमारे लिए एक अच्छी सी ड्रेस लाई दियो। उसकी बात सुनकर वो तीनों हंसने लगे। जिसके बाद अगली सुबह विशाल शहर के लिए निकल जाता है और अगले 6 घंटे बाद विशाल मुंबई के शहर में आ जाता है। मुंबई काफी बड़ा शहर था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जाए कहाँ। वो स्टेशन पर इधर उधर भटक ही रहा था कि तभी उसके सामने एक चोर एक लड़की का पर्स लेकर भाग रहा था और वो लड़की चिल्ला रही थी, चोर चोर, अरे कोई है, हेल्प मी, मदद करो, मेरा ये पर्स चोर लेकर भाग रहा है। उसकी ये बात सुनकर विशाल अपना सारा सामान वहीं छोड़ देता है। जिसके बाद वो उस चोर का पीछा करते करते आखिर उस चोर तक पहुंच ही जाता है और उस चोर को पकड़ के उसे खूब मारता है और उससे उसका पर्स लेकर उस लड़की को वापस कर देता है। ये देखकर वो लड़की बोलती है, अरे वाह, इतनी भीड़ में किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की, लेकिन तुम मेरे एक पर्स के लिए उस चोर के पीछे इतनी दूर तक भाग गए और उस चोर से मेरा पर्स छीन कर ले ही आए। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम कहाँ से आए हो? अरे मैम साहब, हम गांव के छोकरे हैं, हमारी फितरत में सबकी मदद करना ही लिखा है। यदि कोई परेशानी में हो तो हम ओकी मदद करत है। वैसे मैम साहब, हमारा नाम विशाल है और हम यहाँ पर काम को खोजन आए हैं। वैसे विशाल, मेरा नाम अनामिका है और तुम काम को क्यों ढूंढ रहे हो? चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, तुम वहीं पर मेरे घर का भी काम करना और वहीं रहना भी। अरे अनामिका मैम साहब, आपका बहुत ही धन्यवाद। इस बड़े से शहर में आपने हमें अपना घर में काम देकर हम पर बहुत ही एहसान किया है। अच्छा, अब इसको मेरा एहसान मत बनाओ। एहसान तो तुमने किया है मेरा पर्स बचाकर। खैर छोड़ो इन सब चीजों को, और तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इतना कहकर अनामिका विशाल को अपने बड़े से घर में ले जाती है। उस बड़े घर में जाकर विशाल बोलता है, बाप रे बाप, इतना बड़ा घर, ऐसा घर तो हम कभी सपने में भी नहीं देखे। ये घर मा हम बहुत मेहनत करेंगे, ओका बाद हम अपनी बहन शीला के लिए भी अच्छा सा कपड़ा लेकर जाएंगे। वो इतने बड़े घर को देखकर हैरान हो ही रहा था कि तभी अनामिका के पिता वहाँ आते हैं और अनामिका से बोलते हैं, अरे अनामिका बेटा, ये कौन है और तुम इसे घर में क्यों लेकर आई हो? पिताजी, इसने मेरा पर्स चोरी होने से बचाया है और ये दिल से ही नहीं बल्कि नीयत से भी साफ है। इसके पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मैंने सोचा ये हमारे घर में नौकर का काम भी कर लेगा और इसको रहने की जगह भी मिल जाएगी। चल ठीक है बेटा, तूने किया है तो अच्छा ही किया होगा। इतना कहकर नरेश अपने ऑफिस चले जाता है। जिसके बाद अनामिका विशाल को अपने घर की हर एक चीज दिखाने लगती है। इस तरह अब अनामिका और नरेश अपने अपने काम पर जाया करते और घर को विशाल संभाला करता। इस तरह अब पूरे 5 साल गुजर जाते हैं और उसका ये स्वभाव देखकर अब अनामिका को विशाल से प्यार हो चुका था। उसको अब हर जगह सिर्फ और सिर्फ विशाल ही दिखता। अपने साथ ये अजीबोगरीब हरकत देख वो खुद से बोलती है, हे भगवान, मुझे ये क्या हो रहा है, मुझे हर जगह सिर्फ और सिर्फ विशाल ही क्यों दिख रहा है, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया। खैर जो भी है, ये एहसास बहुत ही अच्छा है।
वो खुद से ये बातें बोल ही रही थी कि तभी उसके पिता नरेश वहाँ आ जाते हैं और वो उससे उसकी खुशी देखकर बोलते हैं, अरे वाह, मेरी बेटी इतनी खुश कैसे है? आखिर मेरी बेटी की खुशी के पीछे राज क्या है? डैडी, आई एम इन लव। ओह माय गॉड, किससे? पापा, अपने ही विशाल से। वो बहुत ही अच्छा है, वो नियत का बहुत ज्यादा साफ और दिल का नेक इंसान है। अगर हम मोमबत्ती लेकर भी इस जैसे लड़के को ढूंढे ना तो शायद हमें कहीं ना मिले। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। पिताजी प्लीज, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे विशाल मांग रही हूँ। क्या आप मुझे मेरे पति के रूप में विशाल दे सकते हैं? लेकिन अनामिका, ये बहुत ही गरीब घर से है, ऊपर से गांव में रहता है, तुम इसके साथ नहीं रह सकती। मैं इस नौकर के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं करवा सकता। पर पिताजी, इंसान भले ही पैसों से गरीब है लेकिन वो दिल से तो अमीर है ना। प्लीज पिताजी। लेकिन अनामिका, तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैं तुम्हारी शादी किसी नौकर से कैसे कर दूं? प्लीज पिताजी, प्लीज। अनामिका की जिद के आगे नरेश अब झुक जाता है, जिसके बाद नरेश अनामिका की शादी विशाल से करवा देता है। और जब वो दोनों शादी करके अपने घर में आते हैं तब नरेश बोलता है, अनामिका, शादी के बाद हर लड़की को अपने ससुराल जाना पड़ता है, कोई भी लड़की अपने मायके में नहीं रहती। विशाल के पास कोई भी घर नहीं है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और इसीलिए मैं अपने फार्म हाउस को तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। अब से तुम विशाल को लेकर वहीं पर रहोगी। अनामिका अपने पिता की बात से सहमत हो जाती है और विशाल को लेकर उस फार्म हाउस में रहने लगती है। विशाल एक गांव का गवार लड़का था, उसको ना तो फोन के बारे में नॉलेज थी और ना ही लैपटॉप के बारे में। उसको घर में बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं थी, अगर उसको कहीं भी कोई भी गंदगी दिखाई देती तो वो तुरंत उसको साफ कर देता। ऐसे ही एक बार की बात है, अनामिका अपने ऑफिस जाती है लेकिन वो अपने ऑफिस का लैपटॉप लेकर जाना भूल जाती है। लैपटॉप के ऊपर धूल जमी हुई थी, ये देखकर विशाल बोलता है, हे भगवान, अनामिका जी भी अपने सामान को बिल्कुल भी साफ नहीं रखती। देखो तो इस लैपटॉप पर कितनी गंदगी जमी हुई है, मैं इस लैपटॉप को अच्छे से धो देता हूँ जिसके बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। इतना कहकर विशाल अनामिका के लैपटॉप को धो देता है। शाम को जब अनामिका वापस आती है तब वो अपना लैपटॉप ढूंढने लगती है और अपने पति विशाल से बोलती है, विशाल, तुमने मेरा लैपटॉप देखा क्या? आज मैं यही भूल गई थी। क्या अनामिका जी, आप भी ना अपना एक सामान एक तो भूल जाती हैं, ऊपर से अपने सामान को बिल्कुल भी साफ नहीं रखती। मैंने आपके लैपटॉप को धो दिया है और वो धूप में सूख रहा है, अभी तक उसमें से पानी नहीं गिरा, इसीलिए मैंने उसे धूप में से नहीं उतारा। उसकी ये बात सुनकर अनामिका को गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलती है, विशाल, ये मेरे ऑफिस का सामान है, उसे धोया नहीं जाता, उसे हल्के कपड़े से साफ किया जाता है, लेकिन तुमने तो उसे पूरा ही खराब कर दिया। मुझे माफ कर दो अनामिका जी, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, आगे से मैं आपकी हर एक चीज को आपसे पूछ कर ही धोया करूंगा। अनामिका उसको माफ कर देती है, जिसके बाद अब वो उसे रात के समय खुद ही पढ़ाने लगती है। इस तरह अब दिन गुजरने लगते हैं, जिसके बाद एक दिन विशाल अपनी पत्नी अनामिका से बोलता है, अनामिका जी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अनामिका जी, मेरी माँ बीमार रहती है और मेरी बहन जवान है, दोनों अकेले गाँव में रह रहे हैं, क्या हम उन्हें अपने साथ यहाँ रख सकते हैं? अरे, मेरी मम्मी और मेरी ननद को गांव में क्यों रखा है फिर? यहाँ पर मैं उन्हें कल ही लेकर आऊंगी। इतना कहकर अनामिका अपनी सास और ननद को ले आती है और खुशी से अपने पूरे परिवार के साथ रहने लगती है। जादुई सोने की भुट्टा मशीन। नीरजा अपने दो बच्चों चिंटू गुड़िया और बीमार पति माधव के साथ मेहरौली गाँव में रहती थी। उसका पति हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब माधव शरीर से भला चंगा था, मगर अंदरूनी बीमारी ने उसे इस कदर घेर लिया कि उसने बिछौना पकड़ लिया, जिसके बाद घर चलाने की जिम्मेदारी नीरजा के कंधों पर पड़ गई। माँ दुर्गा, आज मेरे फसल की कटाई है, मुझ पर दया करना। नीरजा अपने दोनों बच्चों को लेकर खेत पर आती है जहाँ उसने भुट्टे की खेती की होती है। इस बार तो हमारे भुट्टे बाकी सालों की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में उगे हैं। भुट्टे की पैदावार अच्छी तो होनी ही थी चिंटू, क्योंकि माँ ने इस भुट्टे की फसल की सारी जमा पूंजी झोंककर खाद उर्वरक का छिड़काव किया था, इसी से फसल में इतना इजाफा हुआ है। बच्चों, बड़ी ही सतर्कता से इन भुट्टों को इस ठाड़ से अलग करना होगा। तीनों भुट्टों को तोड़कर उन्हें बोरियों में भरकर तैयार करते हैं, जिसके बाद नीरजा उन्हें सिर पर लाद कर धीनू के घर लाती है। धीनू, मैं सारे भुट्टे ले आई हूँ,
जल्दी से इनको तोलकर दाम दे दो। माफ करना नीरजा, मैं तुम्हारे भुट्टे नहीं खरीद सकता। ऐसा क्यों? पिछले 5 सालों से मैं अपने खेत की फसल तुम्हें ही बेचती आ रही हूँ, ऐन मौके पर तुम मुकर कैसे सकते हो? क्योंकि ब्रज किशोर से मैंने तुमसे भी सस्ते दामों पर दानेदार भुट्टे खरीद लिए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे भुट्टे नहीं चाहिए। वो निराश होकर उन भुट्टों को लेकर घर लौट आती है। इन भुट्टों को उगाने में मेरी भारी लागत लगी है, सोचा था आज इन्हें बेचकर घर में राशन पानी सब भर दूंगी, अब इन भुट्टों का क्या होगा? माँ, क्यों ना हम इन भुट्टों को पकाकर बेचें, इससे भुट्टे भी बिक जाएंगे और पैसे भी आएंगे। बच्चों के तरकीब से नीरजा को संतुष्टि मिल जाती है। अगले सवेरे नीरजा अन्नपूर्णा माँ का नाम लेकर भुट्टे और अंगीठी लेकर बाजार में एक बोरी पर बैठकर भुट्टे बेचने लगती है, जहाँ उसके दोनों बच्चे आवाज लगाते हैं, बाढ़ की भुनी भुट्टे, ताजे दानेदार भुट्टे खा लो भैया, चटकदार मसालेदार भुट्टे 10 रुपए जोड़ा। उनके लाख आवाज लगाने पर भी कोई भी उनके भुट्टे खरीदने नहीं आता। तभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, जिसके चलते एक बड़ी भीड़ उनके भुट्टों के इर्द गिर्द आकर जमा हो जाती है। अरे जरा जल्दी से 2 करारे नमक नींबू लगा के भुट्टे देना। हम भी आपका हाथ बटाते हैं माँ। भुट्टे बेचकर पहले दिन की कमाई से 2 दिन के बाद नीरजा के घर का चूल्हा जलता है। अब हर दिन के साथ उनके भुट्टे की मांग बढ़ती ही चली जा रही थी, जिसे नीरजा एक ठेला खरीद कर उसी पर भुट्टे रखकर बेचने लगी। एक रोज उसे भुट्टे की दुकान बढ़ाने में काफी देरी हो जाती है। घर लौटते वक्त उसे चौराहे पर एक बुढ़िया गिरी हुई दिखती है। मदद करो, मदद करो मेरी। कौन है आप? इतनी रात को इस चौराहे पर क्यों पड़ी हैं? आपके अपने कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं, भाग्य की मारी दुखियारी हूँ, कई दिन की भूखी हूँ, कुछ खिला सकोगी तो ईश्वर तुम्हें उसका फल जरूर देगा। नीरजा झट से बुढ़िया को भुट्टा खाने को देती है। बस तुम्हारे लाजवाब भुट्टे खाकर मेरा पेट भर गया। अचानक वो फटे हाल बुढ़िया एक शोभायमान देवी में बदल कर कहती है, नीरजा मैं देवी अन्नपूर्णा हूँ। माँ अन्नपूर्णा, इस अभागन के भुट्टे खाकर आपने मेरा मान बढ़ा दिया है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी अन्नपूर्णा अपने शक्ति से एक जादुई अंगीठी प्रकट करके उसे थमा देती है। ये क्या है माँ अन्नपूर्णा? ये जादुई भुट्टा मशीन है, जब तुम इसके भीतर साधारण भुट्टे डालोगी तो इस जादुई मशीन से वो भुट्टे सोने के भुट्टे में बदल कर बाहर निकलेंगे। जादुई भुट्टा मशीन का रहस्य बताकर देवी नीरजा की आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। नीरजा उस जादुई भुट्टा मशीन को ठेले पर सवार करके घर लौट आती है। क्या सचमुच ये जादुई भुट्टा मशीन है? मुझे इसका पता कैसे चलेगा? वो झट से एक भुट्टे को उसके भीतर डालती है। तभी जादुई भुट्टा मशीन के चारों ओर एक लौ चमक उठती है और वो भुट्टा सोने के भुट्टे में बदलकर बाहर निकलता है, जिसे देख नीरजा की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। ये तो सचमुच का जादुई भुट्टा मशीन है, जिसके भीतर पलभर में ही डाला गया साधारण भुट्टा सोने का हो जाता है। इसके बाद नीरजा और भी कई भुट्टे जादुई मशीन के भीतर डालती, जो सोने के भुट्टे में तब्दील होकर बाहर आते। ये देख वो बहुत खुश होती है। सवेरा होते ही मैं इन भुट्टों को बेचकर सब ठीक कर लूंगी। सवेरे होते ही वो सोने के सभी भुट्टों को बोरी में भरकर सुनार से उनका सौदा करके पैसे लेकर घर आती है। इतने सारे पैसे? माँ ये पैसे कहाँ से आए? जानना चाहती हो ये पैसे कहाँ से आए? मगर पहले वादा करो, किसी और से इसका जिक्र नहीं करोगे। वादा। नीरजा अपने दोनों बच्चों के सामने जादुई भुट्टा मशीन में जैसे ही एक भुट्टा डालती है, वो चमचमाते सोने के भुट्टे में ढलकर बाहर आता है। ये तो जादू हो गया। ये जादू ऐसे नहीं हुआ है, ये एक जादुई भुट्टा मशीन है, जिसमें से हमारे भुट्टे सोने के भुट्टों में बदल कर निकलते हैं। अब जादुई भुट्टा मशीन से नीरजा की गरीबी दूर हो जाती है, जिसे जल भुनकर धीनू कहता है। अरे ऐसा भी कौन सा जिन्न का जादू हाथ लगा है इस नीरजा के, जो हफ्ते भर के भीतर ही ये फटे हाल से मालामाल हो गई। पहले हवेली जैसा घर ठोक दिया, ऊंचे स्कूल में बच्चों का दाखिला करा दिया, और तो और भुट्टे बेचने का धंधा भी छोड़ दिया। पता लगाना पड़ेगा। एक सवेरे, बच्चों मैं तुम्हारे बाबा को लेकर अस्पताल जा रही हूँ, उनकी जांच पड़ताल में समय लगेगा।
इसलिए गलती से भी किसी के सामने इस जादुई भुट्टा मशीन का भेद मत खोलना। निश्चित होकर जाओ माँ। उनके जाते ही लालची धीनू दीवार फांद कर भीतर घुस आता है। यही सही मौका है तहकीकात करने का। लाख छानबीन करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आता। जाने कहाँ है वो सोने का चिराग जिसके जादू से ये चीथड़ों में जीने वाले कल के गंगू तेली भिखारी राजा भोज का जीवन काट रहे हैं। क्या पता इन चंगू मंगू को कुछ पता हो, पूछकर देखता हूँ। धीनू चिंटू के पास आकर उन्हें मिठाई का लालच देता है। अले ले 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 मेरा चिंटू, चाइनी की बर्फी खाएगा बेटा। धीनू बखूबी जानता था कि गुड़िया उसके चाल में नहीं फंसने वाली, इसलिए वो भोले चिंटू को अपना शिकार बनाता है। शाबाश चिंटू बेटा, जल्दी से बता कि ये घर बार खरीदने के पैसे कहाँ से आए। मेरी माँ के पास एक जादुई मशीन है जिसमें भुट्टे डालने पर वो सोने के भुट्टे हो जाते हैं। जादुई भुट्टा मशीन के कारनामे को सुनकर धीनू के मन में अब घनघोर लालच समा जाता है और वो उस मशीन को अपने घर लाकर हाथ मलते हुए कहता है, अब मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा जिसके बाद इस पूरे गांव पर मेरा ही दबदबा होगा। वो लालच में आकर एक साथ कई सारे भुट्टे जादुई मशीन में डाल देता है मगर उसे कोई परिणाम नहीं मिलता। अरे ये भुट्टे सोने के भुट्टे में क्यों नहीं बदल रहे। वो कई बार ऐसा करता है मगर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है जिससे तंग आकर वो उस जादुई भुट्टा मशीन को पटक देता है। अगर ये भुट्टा मशीन मुझे सोने के भुट्टे नहीं दे सकती तो मैं इसे चूर चूर कर दूंगा। तभी उसकी आंखों के सामने वो जादुई मशीन फिर जुड़ जाती है जिसके भीतर से अनगिनत भुट्टे उस पे बरस पड़ते हैं। अरे 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 बचाओ, अरे मोरी मैया, इन भुट्टों ने तो मुझको आगे से पीछे और ऊपर से नीचे तक चोटिल कर दिया। अरे रे 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 रे, बचाओ 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 बचाओ। तभी नीरजा पूरे गांव को लिए वहां हाजिर हो जाती है। सभी उसकी दुर्दशा देखकर हंस पड़ते हैं। कैसी पड़ी भुट्टों की मार। अरे पूछो मत। कोई चाहे कितना भी रोके धीनू, सही चीज सही हाथों में आ ही जाती है। व्यापारी धीनू का लालच उस पर बुरी तरह भारी पड़ता है जिससे उसे सबक मिल जाता है। अंत में जादुई भुट्टा मशीन वापस से नीरजा के पास आ जाती है जिससे अब नीरजा गरीब लोगों की मदद करने का जिम्मा उठाकर इंसानियत को कायम करती है।